उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के बेटे की जीप का वीडियो वायरल होना। कोई गाड़ी चलाए पड़े हो, कोई घूमे पड़े हो, ना घूमने दियो नहीं थे क्या रिसे बढ़ो और लाइसेंस कदे बने तो 18 में बने तो मोटरसाइकिल कदे चलानी शुरू करी था जब बालिक हुआ। देखो सब ठीक है थे ऑन कैमरा कोनी आंक रो ट्रोल करे के ना मानसिक रूप में ना ये तरीके में प्रताड़ित कर लो ए बिल्कुल बिठाओ सूरज में लाड़ा जी री छतरी ना ये तरीके में ना ध्वस्त करी ए जो चीज करे उहा वीर मीना लिखियो कि सब अतिक्रमण हटायो। आ विचार करो कि 600 साल पहल जका जमी जमीर पगा जका माथा बटाया आज उहा न थे कह रहे हो कि सब यहां अतिक्रमण करे डो हाड़ो तेरा वो तमाम भाई जदे भी याद कर से आधी रात रा उमर पगा तैयार रहे। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ है जिसमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के बेटे की जीप का वीडियो वायरल होना और उसके बाद से सोशल मीडिया सहित देश भर के मीडिया जगत में ये मुद्दा काफी चर्चाओं में है। ऐसे में इसी मुद्दे पर बात हम करेंगे युवा नेता और शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं और इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं। रविंद्र सिंह जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बेटा ओपन जीप में इस तरीके से ड्राइविंग करते हैं और पुलिस की गाड़ी उन्हें एस्कॉर्ट करती है, इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई है। देखो जाहिर सी बात है कि एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट है उना मना बड़ो अचंभ हुआ कि लाला 3-4 दिन में ना ट्रोल करो जा रही है और ट्रोल भी ये तरीके में कि वे साहब 10 लोगन जाने वे ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट में ना कोई एक्सपायर हो गया हुआ तो एडी स्थितियाँ एडी प्रटेंड करी जा रही है। वाकई ये दुख की बात है, ताबर है कोई गाड़ी चलाए पड़े हो, कोई घूमे पड़े हुए ना घूमने दियो नहीं थे क्या रिसे बड़ो पड़िया। और दूसरी चीज देखो अशोक जी, आप सब आज खपो पड़िया तो कह रहे वास्ते खपो आने वाली पीढ़ी वास्ते खपो जिके आदमी पूरी उम्र तपस्या करी वे टाबर कोई जे कोई गाड़ी ले रवान हुआ है कोई लारे पुलिस अगर चल रही है तो वे ना इतो तूल देनो मना लागे कि ठीक को नहीं है। छोटी छोटी चीज़ा ना और बात रो बतंगड़ कहना भी नहीं बनाना चाहिए। टाबर है ठीक है घूमे कोई कोई एडी इलीगल एक्टिविटी तो करी को नहीं है। नहीं, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि एक नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र 18 साल भी नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है और प्रेमचंद बेरवा खुद परिवहन मंत्री है, तो इस तरीके के लोग सवाल खड़े करते हैं। तो क्या इस पर अभी प्रेमचंद बेरवा कोई एक्शन लेंगे या ये कहां तक लीगल है? था रो लाइसेंस कदे बने तो 18 में बने तो मोटरसाइकिल कदे चलानी शुरू करी था जब बालिग हुआ। देखो साहब ठीक है थे ऑन कैमरा को नहीं आंकरो पर लगभग जितना भी लोग सुन भी रहा है या जो बोल भी रहा है जो बुलवा भी रहा है लगभग सब केतन केत ये चीज रे मीना इन्वॉल्व रहा है तो इतो मोटो कोई गुनाह हुई कौन करियो है जिकेरी सजा या ये मानसिक उत्पीड़न रे भेली थे दे रहा हो। ठीक है टाबर है तो घूमा फिर कोई गाड़ी पुलिस रे आगे ला रहे हमें कोड। देखो एक चीज है उम्र दराज आदमी ना थोड़ी दो एस्कॉर्ट रे नियर कोड हो मोटिया रहे यहाँ गनर वनर रो और शौक है कोई पुलिस रो और शौक है थोड़ा देर घूम लिया की वो ना गलत तरीके में टर्न मत करो। हाँ ए है कि ये चीज़ री चेतावनी देनी चाहिए कि साहब जो चीज़ें हैं ये मिसयूज नहीं होना चाहिए ये वास्ते आप ना चेतावनी दियो ना कहो पर ट्रोल करे के ना मानसिक रूप में ना ये तरीके में प्रताड़ित कर लूँ ए बिल्कुल भी ठीक। आप यूथ को लेकर आइडल हैं, पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश पर कई स्टेट के जो यूथ हैं आपको आदर्श मानते हैं, क्या मैसेज है इस प्रकार की घटना को देखने के बाद, क्या आप अपनी ओर से क्या कहेंगे? देखिए जाहिर सी बात है कि आप सब ध्यान रखो, सावचेती जरूरी है और दूसरी चीज़ की जो पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक रही है वो अपन कोई भी तरीके से मिसयूज नहीं करना है। साथ ही साथ वहाँ तमाम लोगों ने भी वह निवेदन करी कि कोई टाबर ना ये तरीके में ट्रोल करनो या मानसिक रूप में मीना उत्पीड़न करनो यह ठीक को नहीं है। ये अलावा भी कई सारा मुद्दा है, राजनीति करो वह मुद्दा नहीं बात करो, आज बिजली पानी रो संकट है वहाँ बात करो, बीच में ना सेट रो एग्जाम जो हुआ है उगर मीना है जो स्थितियाँ यूथ री बेड़ी थी वहाँ बात करो, सो तरीके रह चीज़ें आप देश दुनिया की बात करो ए कहीं बात होगी साहब कि ओ यहाँ घूम तो पड़े हो ठीक है यार वो व्यक्तिगत जीवन है आज हूँ कहाँ कर घूमा पड़े हूँ टी शर्ट पहरे बैठो हाँ यहाँ को थोड़ा कह सके साहब कि आप ए क्यों पहरो कुर्ता पजामा पहरो तो ए मारो व्यक्तिगत जीवन है तो वहाँ वो उम्र व्यक्तिगत जीवन है कहना व्यक्तिगत जीवन माते यहाँ टिक्का टिप्पणी करना ठीक को नहीं। अच्छा इसी के परस्पर एक और मुद्दा प्रदेश में अभी चर्चाओं में है बूंदी की छतरी का, जिसको लेकर कई नेताओं ने पत्र भी लिखे हैं उस चीज़ का विरोध भी किया है, आप इस पूरी किस तरीके से इस पूरी घटना को देखते हो और आपका क्या इसमें वक्तव्य है? देखो साहब महासभा वास्ता है पीड़ा री बात है कि 600 साल पुरानी राव सूरजमल हाड़ा जी री छतरी ना
ये तरीके मीना ध्वस्त करी ए जो चीज करो वहाँ वीर मीना लिखियो कि सब अतिक्रमण हटायो। आ विचार करो कि 600 साल पहल जिका जमी जमीर पगा जिका माथा बढ़ाया आज वहाँ ना थे कह रहे हो कि सब यहाँ अतिक्रमण कर रहे। तो वाकई है जो घटना हुई है वो ये रिकॉर्ड शब्द हम निंदा करा। गवर्नमेंट जल्द में जल्द एक्शन ले और पाची वे जमीन रे माथे जो छतरी बनावे और हाड़ोती रे युवा साथी जदे भी आदेश कर है निश्चित रूप रे मीना उगार भेड़ा और एड़ी घटना केत भी उसे तो वे रो पुरजोर तरीके विरोध करा। छत्तीस कौम रे लोगों रो जो भी आदर्श है या जिकाना लेर में प्रेरणा लिया प्रेरणा स्रोत जो महारा रहा है उमरी एड़े स्मारक रे भेड़ी एक घटना होनी ये वाकई निंदनीय है। तो क्या ये अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सरकार को जरूरत पड़ी तो वहाँ आंदोलन करना पड़ा युवाओं के साथ छतरी के लिए तो भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक बार नहीं 10 बार करेंगे और जब भी जरूरत रहेगी मजबूती से रहेंगे। हाड़ोती रहो तमाम भाई जदे भी याद कर से आधी रात रहा उमर पका तैयार रहे और हाड़ोती रहा ही क्या पूरे राजस्थान भर रहे भारत भर रहे जैत केत भी बुला है निश्चित रूप में ना जाओ।